हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरी। आज हम बनाएंगे एक आलू की स्पेशल सब्जी, स्टफ्ड आलू। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आइए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। कुकर में हमें दो विशेल आने तक पका लेना है। विशेल आ गई है, इसी तरीके से मैं दो विशेल आने तक पका लेना है और कुकर को अपने आप डीप्रेशराइज होने देना है। जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसे खोलकर हमें उसमें से आलू निकाल लेने हैं और आलू को एक साइड ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक आलू अच्छे से ठंडे होते हैं तब तक हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। सारा पनीर कद्दूकस हो जाए उसके बाद हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने दो हरी मिर्च लिए, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक बारीक कटी हुई, लगभग 8 से 10 बादाम के टुकड़े और 8 से 10 काजू के टुकड़े, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच सौंफ को क्रश किया हुआ पाउडर और 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आलू में स्टफ करने के लिए स्टफिंग रेडी हो गई। अब हम इसे एक साइड रख देंगे और अब हम आलू ले लेते हैं। आलू अब तक ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें छील लेंगे। आलू हमने दो विशेल आने तक इसलिए पकाए हैं क्योंकि हमें आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू का जब हम फ्राई करेंगे तब भी ये 50% पक जाएंगे, इसलिए हमें आलू 50% ही पकाने हैं। आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब देखिए, आलू को हमें ऊपर से थोड़ा सा कट करना है। देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा हिस्सा कट कर लेना है और बाकी हिस्से को जो पिलर होता है उसकी हेल्प से हमें इस तरीके से इसको बीच वाले हिस्से को खाली कर लेना है जहां हम स्टफिंग करेंगे। इस तरीके से हमें आलू में स्पेस बना लेनी है। सारे आलू हमें इस तरीके से तैयार करके रख लेने हैं और जो हमने ऊपर वाला हिस्सा काट के रखा था उसे भी हमें इसी तरीके से संभाल कर रखना है। देखिए, इसी तरीके से हमें सारे आलू तैयार करके रख लिए हैं। अब इन आलू को हम सबसे पहले डीप फ्राई करेंगे। मैंने गर्म होने के लिए तेल रख दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें आलू इसमें फ्राई कर लेने गोल्डन ब्राउन होने तक। मैंने एक साथ सारे आलू डाल दिए। ये आलू अच्छे से फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन होने तक, तब तक हमें इन्हें तल लेना है। लोहे में मीडियम टू हाई रखनी है क्योंकि आलू पहले से आधे पके हुए हैं, हमें सिर्फ आधा ही पकाना है और हिला हिला कर इन्हें सुनहरा होने तक तल लेना है। देखिए, इस तरीके से आलू लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें फिर से ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी है, इसलिए ठंडा होना इनका बहुत ज़रूरी है। सारा एक्सेस में ऑयल जो भी है वो हम टिश्यू पेपर पर रखकर निकाल देंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर की आलू की टोपियाँ निकाली थी उन्हें भी हमें फ्राई कर रख लेना है। अब जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 3 बड़ी साइज़ की प्याज, 4 छोटे टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 लहसुन की गांठ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको हम रफली चॉप कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से, और मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन पीस लिया है मैंने इसको। अब हम सब्जी को झोंकने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक फ्रंट पैन ले लिया है, उसमें हम जो हमने आलू तले थे उसी में से 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर इसमें ऐड कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता छोटी साइज़ का डालकर अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था उसे हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। वैसा रहा, जार साफ कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब इसी के साथ हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी के साथ मसाले भी पक जाएं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, एक चौथाई से भी कम हींग, इन सबको हम मिलाकर तब तक भूनेंगे तब तक कि तेल बिल्कुल मसालों से अलग ना हो जाए। इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्याज और टमाटर हमने पहले भुने हुए नहीं थे, इसलिए हमें अच्छे से इनको पकने देना है। इनको पकते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही फेंट कर डाल देंगे। अभी हमने सब्जी में नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। दही मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब दही अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। और अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर के दूध की मलाई को भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और लगभग 2 चम्मच मलाई हम इसमें ऐड कर देंगे। मलाई डालने से ग्रेवी में थोड़ा रिचनेस आ जाएगी और ग्रेवी एकदम महीन हो जाएगी। इन सभी को मिलाकर हमें अच्छे से मिक्स होने देना है और ग्रेवी को अच्छे से पकने देना है। ग्रेवी पक रही है तब तक हम आलू स्टफ कर लेते हैं। आलू अब ठंडे हो गए हैं, स्टफिंग हमने पहले से रेडी कर ली थी। अब इस तरीके से हमें आलू में स्टफिंग करनी है। देखिए अच्छे से दबा दबा कर हमें सारी स्टफिंग इसमें भर लेनी है और ऊपर से जो हमने इसकी टोपी काट कर अलग की थी उसे भी इस पर लगा देना है और अच्छे से प्रेस कर देना है। इसी तरीके से सारे आलू हमें तैयार कर रख लेने हैं। आलूओं में मैंने स्टफिंग कर दी है और देखिए ग्रेवी भी लगभग तैयार है। अब हम सबसे लास्ट में इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ग्रेवी से सारा ऑयल अलग हो गया है और सबसे लास्ट में हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें खड़े मसाले भी डाले हुए हैं इसलिए गरम मसाला हम थोड़ा कम ही डालेंगे। और कोरिएंडर लीव्स जो बारीक मैंने काट कर रखी थी उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली है। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी रिच ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है। आलू हमने स्टफ करके रख लिए हैं। आलू को हमें इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें आलू को प्लेट पर सर्व कर ग्रेवी ऊपर से ही डाली जाती है। देखिए मैंने एक प्लेट में आलू सर्व कर लिए हैं और ग्रेवी को हम ऊपर से इस पर डाल देंगे। देखिए देखने में ग्रेवी एकदम टेस्ट लग रही है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। स्टफ आलू की सब्जी आप इस तरीके से बनाइए, आपको ये सब्जी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे लास्ट में हम चीज़ की गार्निशिंग करेंगे। मैंने एक चीज़ क्यूब ले लिया है छोटा सा, उसे हम इस पर ग्रेट कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको लास्ट में धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। देखिए देखने से आपको सब्जी एकदम स्वादिष्ट लग रही होगी। स्टफ आलू की सब्जी आप इस रेसिपी से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वैसे तो आलू को किसी भी तरीके से बनाएं हम, आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन स्टफ आलू का मज़ा कुछ और ही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे चपाती, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। आइए मैं आपको उसके अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ। देखिए जब ये देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है तो खाने में कितनी लाजवाब होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।